क्रेशर पर कोर्ट का निर्णय आने से पहले ही संचालन की अनुमति दे दी गई है और यह अनुमति राजनीतिक दबाव और लेन देन कर देना बताया जाता है। दरअसल जिले के स्टोन क्रेशर के संचालक को लेकर चल रही जांच और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी मामला विचाराधीन है। इस बीच प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उन स्टोन क्रेशरों को संचालन की अनुमति दे दी है जिन्हें कुछ समय पहले ही जांच में नियम विरुद्ध संचालित पाया गया था। ऐसे स्टोन क्रेशर को सील कर दिया गया था, साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुशंसा की वजह से इन स्थानों से बिजली भी काट दी गई थी। अब बोर्ड के अधिकारी बदले जाने के बाद उन्हीं को संचालित करने की अनुमति जारी की जा रही है। इस मामले में याचिकाकर्ता वी के माला ने बताया कि यह एनजीटी की अब मानना है, जब तक वहां से संचालन को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हो तब तक प्रशासन को स्थानीय स्तर पर कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि मामले में अगली सुनवाई के दौरान वह एनजीटी को अवगत कराएंगे कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मनमानी रूप से नियम विरुद्ध पाए गए स्टोन क्रेशरों को संचालित करने की अनुमति दी जा रही है। बी के माला ने बताया कि उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के सामने आपत्ति दर्ज कराई है और कहा है कि एनजीटी के दिशा निर्देशों के अनुसार ही आगे की प्रक्रिया अपनाई जाए। यदि वह सही तरीके से अपना काम नहीं करेंगे तो उनकी भी शिकायत होगी। आपको भी बता दें कि बैजनाथ गांव में संचालित सुनीता देवी स्टोन क्रेशर को दिए गए आदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले यहां बाउंड्री वॉल क्षतिग्रस्त पाई गई थी और पानी का छिड़काव नहीं होना भी पाया गया था। इसके साथ ही कई अन्य कमियां मिली थी जिसमें दावा किया गया था कि पूर्व की कमियों को सुधार किए जाने की वजह से संचालन की अनुमति दी गई है। साथ ही क्रेशर के लिए रोके जाने वाले खनिज को भी उपलब्ध कराने और बिजली कनेक्शन जोड़े जाने के लिए कहा है। वीके माला ने कहा कि जनपद अध्यक्ष रीवा के साथ साथ जनपद उपाध्यक्ष क्रेशर को भी अनुमति दी गई है। आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले पर वीके माला का क्या कहना। माननीय न्यायालय में हमने एक रिट फाइल की थी, जिस रिट की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने एनजीटी ने यह निर्देश जारी किया था कि जो अवैध तरीके से नियम विरुद्ध तरीके से कृषक संचालित हैं उनके सरों पर तत्काल कार्रवाई किया जाना चाहिए। साथ में 13/9/2023 को एक आदेश पारित हुआ था, उस आदेश में माननीय न्यायालय ने निर्णय देते हुए यह भी कहा था कि दिया एक जनसीय जांच व्यवस्था है, उसके अब दिया नहीं बल्कि सिया के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, सिया के रेगुलेशन के तहत पर्यावरण अनुमति मिलनी चाहिए। और पूर्व पर्यावरण अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी रीवा बुंदेला जी ने सभी कृषकों की विद्युत विच्छेद करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे, उसी आधार में विद्युत विच्छेद की कार्रवाई हुई थी। साथ में जैसे बुंदेला जी का स्थानांतरण हो गया, बुंदेला जी कार्यालय पे स्थानांतरण होने के बाद श्री वाल्मीकि जी आ गए। वाल्मीकि जी के आने के बाद तुरंत महज 2 दिन के अंदर 3 क्रेशरों को खोल दिया गया, वो स्टोन सम्राट स्टोन क्रेशर, सुनीता द्विवेदी स्टोन क्रेशर और एक स्टोन क्रेशर और है जो वर्तमान में जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, एक जनपद के अध्यक्ष हैं और एक सम्राट स्टोन क्रेशर कुशवाहा जी हैं। ये 3 क्रेशरों को श्री वाल्मीकि जी ने किस आधार पर खोलने का आदेश जारी किया जब माननीय न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, माननीय न्यायालय ने कोई निर्णय पारित इस आशय का नहीं खोलने का नहीं दिया, साथ में कई लोगों के पिटीशन भी खारिज हो गई, उसके बावजूद भी अधिकारी ने लेन देन करके महज 3 को खोल दिया। ये क्या अधिसूचना लगनी है? अधिसूचना के महज 2 दिन पहले उन क्रेशरों को खोल, 2-3 दिन पहले क्रेशरों खोल दिया गया, इससे प्रमाणित होता है कि इनकी लेन देन हुई, इनकी इसमें भूमिका संदिग्ध है और इसमें व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ। जब न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, न्यायालय
कोई भी निर्णय करेगा वो सब कुछ सिरोधार्य होना चाहिए, पर माननीय न्यायालय की अवहेलना करते हुए, माननीय न्यायालय का मानना करते हुए श्री वाल्मीकि जो प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी जो प्रभारी है आरओ है उनके द्वारा अभी चार्ज लिया गया। उनको चार्ज में आते ही दूसरे दिन उन्होंने इस उनके तीन विद्युत विच्छेद की जो इनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, विद्युत विच्छेद में जिनके खिलाफ रिपोर्ट हुआ था, यहां तक कि उनके द्वारा पुलिस अखबार समाचार पत्रों में आया था कि पुलिस को और विद्युत विच्छेद करने गए अधिकारियों को उन्होंने बैठा लिया था, दबाव बना रहे थे और लगातार अवैध तरीके से विद्युत चला रहे थे, उन्हीं को खोला गया, महज तीन लोगों को। राजनीतिक उनको संरक्षण प्राप्त है और उनके इशारों पर इस प्रकार के नियम विरुद्ध कार्य किए गए हैं।